तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब फ्रेंड्स, आ चुका है मेरे चैनल पे फिर से कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक। एक बार मैंने झेल चुका है और फिर ये दूसरी बार दोस्तों मेरे चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों कभी कभी इसी को लेकर यूट्यूब पे इतना गुस्सा आता है कि यूट्यूब की ऐसी की तैसी करने को मन करता है, पर क्या करे, इसको एक गाली भी नहीं दे सकते, नहीं तो ये भी वीडियो डिलीट कर देगा ना, समझ रहे हो। यूट्यूब को क्या पता कि हमारी वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी परेशानियां होती है हमें एक वीडियो शूट करने में। तो यूट्यूब को तो सिर्फ डिलीट करना है, जबकि दोस्तों वैसा टॉपिक पे वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पे पहले से है। जैसे मेरी वीडियो को डिलीट किया यूट्यूब ने, वैसी वीडियो यूट्यूब पे पहले से है, लेकिन दोस्तों मेरा ही वीडियो यहाँ पे डिलीट हो गया। अब दोस्तों ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी यही हुआ। आखिर यूट्यूब उन वीडियो को क्यों नहीं डिलीट करता जो पहले से उस टॉपिक पे वीडियो उपलब्ध है, और मैंने उस टॉपिक पे वीडियो बनाई तो मेरा क्यों डिलीट हो गया दोस्तों। और दोस्तों उससे भी बड़ी दुख की बात कि यहाँ पे जो मेरा वीडियो डिलीट हुआ वो दोस्तों वीडियो वायरल था, उस पर लगभग 25 या 26 हज़ार व्यूज थे, एंड उस पर व्यूज आ रहे थे, सब्सक्राइबर आ रहे थे हमारे चैनल पे, वास्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहा था, लेकिन अब दोस्तों सब यहाँ पे रुक गया। और इसलिए भी ज्यादा गुस्सा रहा क्योंकि यूट्यूब पे यहाँ पे वीडियो वायरल नहीं हो रही मेरी, और जो वीडियो वायरल है दोस्तों वही डिलीट हो जा रही है। तो यहाँ पे यूट्यूब पे थोड़ा दोस्तों गुस्सा आता है, लेकिन दोस्तों यूट्यूब हमें यहाँ पे एक अपील करने का ऑप्शन देता है कि अगर आपकी वीडियो अच्छी है तो आप अपनी वीडियो को वापस ला सकते हैं अपील के द्वारा, वहाँ पे आपको अपील करना होगा। और दोस्तों अगर आपका वीडियो सही में यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं होगा तो वो आपकी वीडियो को दोस्तों दे देते हैं। और यहाँ पे मुझे दोस्तों मेरी वीडियो में लगता है कि शायद मेरी वीडियो मिले या फिर ना मिले, दोस्तों कन्फ्यूज हूँ मैं। तो चलिए हम अपील करके देख लेते हैं कि हमारा यहाँ पे क्या होता है। तो मैं अब बताने वाला हूँ आपको कि आप अपील कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आ जाएगा दोस्तों, तो फिर आप 7 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, अपनी कम्युनिटी पे कोई शेयर नहीं कर सकते, मतलब कि अपने फ्रेंड से कुछ आप बात भी नहीं कर सकते यूट्यूब पे दोस्तों, और लाइव भी नहीं आ सकते यूट्यूब पे 7 दिन के लिए दोस्तों, आप ये नहीं कर सकते 1 सप्ताह के लिए दोस्तों। तो ये दोस्तों बहुत ही बड़ा दुख होता है, और देखते हैं कि मेरे साथ दोस्तों क्या होता है, आखिर 1 सप्ताह बाद ये वीडियो अपलोड होती है या फिर दोस्तों कल ये वीडियो अपलोड होती है। फ्रेंड्स अब मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे जाता हूँ और आपको अपील करके बताता हूँ कि कैसे आप अपने वीडियो के लिए अपील कर सकते हैं। सो गाइज, हमने यहाँ पे अपना यूट्यूब चैनल डेस्कटॉप सेट करके ओपन कर लिया है, एंड यहाँ पे हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस को ओपन किया है, ठीक है। तो कंटेंट रूम में हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे यूट्यूब हमें बोलता है कि अगर आपको लगता है कि वीडियो गलती से उड़ गई है तो आप अपने वीडियो के लिए अपील कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्राइक हमको 12 फरवरी को मिला है और एक्सपायर दोस्तों 13 मई को दिखा रहा है कि हमारा ये एक्सपायर हो जाएगा 90 दिन के बाद दोस्तों। एंड यहाँ पे हमें अपील का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो चलिए हम भी अपील नहीं करते हैं, एंड आपको दिखाता हूँ कि कौन से मेरे वीडियो पे कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आया है यहाँ पे। तो आपको मैं वो वीडियो अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों रेड कलर का ये वीडियो हो चुका है और यहाँ पे रिमूव्ड देखने को मिलेगा, एंड दोस्तों 26,000 इस पे व्यूज आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे हमारा वीडियो इनिजिबल लिखा हुआ शो करेगा। और हम इस वीडियो का आप टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड टैग देखना चाहते हैं एंड यहाँ पे इसे चेंज करना चाहें तो दोस्तों हम नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड यहाँ पे आप सब कुछ देख सकते हैं, पर दोस्तों चेंज नहीं कर सकते अपनी वीडियो का दोस्तों। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आपको अपील कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको अपना ओपन कर लेना है कम्युनिटी गाइडलाइंस को जो आया है, एंड दोस्तों अपील पे आपको क्लिक कर देना है, एंड उसके बाद दोस्तों आपको वीडियो यहाँ पे दिखाएगा, एंड यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। तो चलिए फिर से मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, और मैंने दोस्तों नोटबुक में अपने मोबाइल में लिख कर रखा है, तो यहाँ पे आपको भी लिख कर रखना है पहले से ही दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक बार जब आप सेंड कर देंगे कोई भी दोस्तों आपको चीज़ लिखना है तो आप एक ही बार दोस्तों सेंड कर सकते हैं, फिर दोस्तों वो आपका वो ऑप्शन बंद हो जाता है, आप एक ही बार यूट्यूब को यहाँ पे फीडबैक सेंड कर सकते हैं, मतलब कि रिप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आपको अच्छे से लिख लेना है इंग्लिश में दोस्तों, और मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा वीडियो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ नहीं था, फिर भी मेरे वीडियो को डिलीट कर दिया गया, और मैंने लिखा है कि यूट्यूब पर मेरी जैसी वीडियो पहले से ही उपलब्ध है फिर भी मेरी वीडियो को क्यों डिलीट किया गया, एंड लिखा है कि थैंक यू यूट्यूब टू, एंड ऊपर में लिखा है डियर यूट्यूब टीम, ठीक है बस इतना लिखा है दोस्तों। और यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे बस इसे पेस्ट कर देते हैं दोस्तों। तो आप अपने मुताबिक दोस्तों लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ये भी लिख सकते हैं अपनी वीडियो में। अब बस दोस्तों यहाँ पे लिख लिया मैंने एंड यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया। तो अब इसके बाद गाइज हमें सबमिट पे क्लिक करना होगा, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, और आप वीडियो को रोक कर पॉज करके देखना चाहते हैं कि मैंने क्या लिखा है तो आप अच्छे से यहाँ से रीड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे सबमिट का एंड कैंसिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। बस आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है, आपका अपील यहाँ पे दोस्तों डन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे हमारा अपील दोस्तों हो चुका है सबमिटेड, आप देख सकते हैं दोस्तों कि अपील हमारा सबमिटेड हो चुका है 12 फरवरी को, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पे 2-3 घंटे वेट करना है, एंड यूट्यूब की तरफ से दोस्तों मेल आ चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों मुझे बोला गया है कि आपको वीडियो वापस नहीं मिल सकती, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बोला है कि ये यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, आपके लिए सेफ है एंड सिक्योर है दोस्तों, और ये वीडियो को वापस नहीं देगा दोस्तों। तो चलिए हम वहाँ पे चेक करते हैं कि जहाँ पे हमने अपील किया था वहाँ पे क्या ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चलिए अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं, एंड यहाँ पे दोस्तों अपील जो हमने किया था उसका क्या हुआ वो देख लेते हैं दोस्तों। मेल तो पढ़ लिया हमने, यहाँ पे दोस्तों अपील अब देख सकते हैं,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अपील सबमिटेड की जगह पे अपील रिजेक्टेड दोस्तों दिखा रहा है। तो गाइज अब यहाँ पे हमें 90 दिन इंतजार करना होगा और दोस्तों यह 13 मई को एक्सपायर। तो फाइनली गाइज हमारी वीडियो अब हमें वापस नहीं मिल सकती, हमारा यहाँ पे अपील दोस्तों रिजेक्ट हो गया। और आपको एक बात बता दूं कि कोई बोलता है कि मुझे इतना मनी दो मैं आपके चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक को रिमूव करवा दूंगा, तो वैसे लोगों के बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना है दोस्तों। अगर आपकी वीडियो अच्छी रहेगी तो आप खुद से अपील करेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिलनी होगी तो मिल जाएगी, या फिर दोस्तों आपको वीडियो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगी तो नहीं मिलेगी दोस्तों। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। सो गाइज आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।